दोस्तों, हम जमात चहरुम का सबक खेड़ातील स्वयंपाक। इस सबक में हम बच्चों को हमारे स्वयंपाक घर यानी किचन के बारे में अलग अलग सामान क्या होता है, कैसे होता है वो बताने वाले हैं। जैसे कि गैस का स्टोव होता है, तवा होता है, गिद्दा होता है, बेलन होता है जिसे मराठी में लाटनी, पोलपाट, तवा, गैस इस तरह से कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को समझाना है कि उन्हें मराठी में ये नाम बोलते आए। दूसरी बात, हमें बच्चों को जो एकदम बहुत ही बेसिक चीजें जो वो रोज खाते हैं जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, ये किस तरह से बनती है, इसको मराठी में जैसे पोड़ी, वांग्याची भाजी, भात बोलते हैं, वो भी उन्हें हमको यहाँ पर समझाना है ताकि बच्चे समझ पाए इस बात को कि उन्हें उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी ये सारी चीजें खुद से करते आनी चाहिए। साथ ही साथ हम किचन के जितने भी सफाई की चीजें हैं या फिर जो भी सेफ्टी की चीजें हैं वो भी हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे ताकि ना सिर्फ उनकी ज़हनी या इल्मी तरक्की हो बल्कि उनकी जज्बाती तरक्की हो, उनकी सामाजिक तरक्की हो। बहरहाल यानी भी 2020 की तरह हमें उनकी मजमूई तरक्की का यहाँ पर ख्याल रखना है। हम यहाँ पर नज़म में आने वाले नए अल्फाज भी बच्चों को समझाएंगे जिससे उनके जो अल्फाज का जखीरा है उसमें इजाफा होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खेल खेल में ये सबक खेड़ातील स्वयंपाक। शुक्रिया।